सर से मैं निवेदन करूंगा, सर अर्गल सर, अखिलेश अर्गल सर हमारे राजानंद संस्थान के सीईओ हैं, जिनके मार्गदर्शन में पूरा हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो मैं सर से आग्रह करूंगा कि अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में कुछ बात कहें। धन्यवाद गंगराड़े जी, हमारे सभी साथियों को नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं कि आप लोग 5 दिन का समय निकाल कर इस कार्यक्रम से जुड़ सके और इसको समझ सके। आपने देखा होगा कि यूएचवी टीम के जो हमारे सहयोगी थे, बानू भैया, कुमार संभव भैया, दिलशाद भैया, पांडे भैया, राजुल भैया और बाकी और सभी अन्य लोग जिनका मैं यहाँ पर नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उन्होंने हमारे साथ एक संवाद की प्रक्रिया शुरू की थी। और इस संवाद की प्रक्रिया शुरू करने का मकसद सिर्फ इतना था कि आज जब यह कार्यक्रम समाप्त हो रहा है तो यह संवाद की प्रक्रिया हमारे अंदर चलना शुरू हो जाए। आप यह कतई नहीं माने कि आज कार्यक्रम खत्म हो रहा है, बल्कि आज से इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमको इस संवाद की प्रक्रिया अपने अंदर चलानी शुरू करनी है। और मैं आप लोगों के अनुभव सुन रहा था और उससे साफ जाहिर हो रहा था कि आप लोगों ने इस संवाद की प्रक्रिया को अपने अंदर चलाना शुरू भी कर दिया है। अगर हम इस संवाद की प्रक्रिया को अपने अंदर चालू नहीं रख पाते हैं, जारी नहीं रख पाते हैं, तो इन 5 दिनों में हमने जो भी जानकारी प्राप्त की है वो सिर्फ जानकारी रह जाएगी, ज्ञान में परिवर्तित नहीं हो पाएगी। अतः हमने जो भी यहाँ पर समझा है उसको जीवन में उतारना भी जरूरी है, बल्कि मैं कहूं कि जीवन में जब तक उतरेगा नहीं तब तक उस सारी जानकारी का कोई मतलब नहीं रहे। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, क्योंकि मैं आप देख रहा था कि आप लोगों ने, अधिकांश लोगों ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है कार्यक्रम के बारे में, राजानंद संस्थान के बारे में, यूएचवी के बारे में। तो प्रश्न उठ रहा होगा कि आगे हम क्या करें। तो आगे का कार्यक्रम बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले तो हम अपने आप में लगातार जांच परख कर आगे का कार्यक्रम बहुत सीधा साधा है सबसे पहले तो हम अपने अंदर लगातार जांच परख करते रहे सहज स्वीकृत के आधार पर, उसके आधार पर एक जीने का कार्यक्रम बनाकर उस पर अमल कर सके। जैसा हम लोग राजानंद संस्थान में कहते हैं, यहां भी उसी बात को बार बार दोहराया गया है कि हमें लोगों को सुधारने का कार्य नहीं करना, हमें तो लगातार अपने ऊपर कार्य करना है, अपने को देखना है और हमारे अंदर जो हमारा कार्य और व्यवहार में मान्यताओं के आधार पर है, संवेदनाओं के आधार पर है, उसकी जगह हमें सहज स्वीकृत के आधार पर जीना शुरू करना है। और अगर हम इस प्रकार का जीना शुरू कर पाए तो निश्चित तौर पर हम अपने आसपास के लोगों में जिज्ञासा पैदा कर देते हैं, और एक बार लोगों में वो जिज्ञासा पैदा हो जाएगी तो अपने आप लोग आपसे जुड़ेंगे, राजानंद संस्थान से जुड़ेंगे, यूएचवी से जुड़ेंगे, ये काम अपने आप होने लगेगा, हमें उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मैं कई लोगों के अनुभव सुन रहा था और लोग शेयर कर रहे थे कि इस कार्यक्रम को सुनने मात्र से कितना सुकून मिला है, और अगर हम इसको जीना शुरू करेंगे तो क्या परिणाम होंगे, मेरे ख्याल से आप सभी लोग अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन यदि समाज का हर व्यक्ति इस प्रकार जीने लगेगा तो क्या परिणाम होंगे, शायद उसकी
हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वह किस कितना बढ़िया कितना शानदार समाज होगा। जैसी कि बात हो रही थी अभी, हमारे कुछ साथियों ने कहा भी कि इस कार्यक्रम से अधिक लोगों को कैसे जोड़ा जाए, अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो आप लोगों में से कुछ हमारे साथियों को मालूम होगा कि शिक्षा विभाग, UHB और राज्य आनंद संस्थान मिलकर के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए एक पाठ्यक्रम का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि शायद अगले सत्र से हम इस पाठ्यक्रम को लागू भी कर पाए। और प्रयास सिर्फ कक्षा 9 से 12वीं तक का नहीं है, प्रयास तो यह भी है कि हम प्री स्कूल एजुकेशन से लेकर के और कक्षा 12वीं और उसके बाद स्कूल एजुकेशन, परिवार, समाज, सभी जगह इस कार्यक्रम का विस्तार कर पाए। और प्रकृति तक भी अगर हम अपने जीने के फैलाव में प्रकृति को भी शामिल कर लें तो शायद हम एक बेहतर एग्जिस्टेंस की कल्पना कर सकते हैं, एक हम बेहतर प्राकृतिक वातावरण की कल्पना कर सकते हैं। यहां मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी अभी बातें हुई हैं 5 दिनों में, वे सुनने में पढ़ने में बहुत आसान लगती है, परंतु जब हम उन पर अमल करने जाते हैं तो आप देखेंगे कि बार बार हमारा पैर फिसलेगा। उन पर अमल करना उतना आसान नहीं होगा, हम बार बार विचलित होते रहेंगे, हमें बार बार सामने वाले में कमियां नजर आने लगेंगी, हमको कई बार यह भी एहसास होगा कि कुछ भी बदलना संभव नहीं है, ये समाज ऐसा ही रहेगा। जब भी हमारे अंदर यह विचार आए तो उस समय हम अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करें। आप देखेंगे कि उस समय जो कमी है वह हमको अपने अंदर ही दिखेगी और उस कमी को दूर करने का प्रयास करें। हमें बस एक मूल मंत्र समझना है कि हर व्यक्ति खुश और समृद्ध होना चाहता है, उसकी क्षमता भी है, अगर हो नहीं पा रहा है तो मात्र योग्यता की कमी है। और अगर हम में यह समझ आ जाती है तो फिर आप देखेंगे कि जो विरोध का भाव है वो अपने आप गायब हो जाता है, हमारा सारा गुस्सा गायब हो जाता है और हमारे अंदर लोगों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव आ जाता है। जब तक यह भाव नहीं आएगा तब तक हम अपने कार्य व्यवहार को नहीं सुधार सकते। विरोध के भाव से हम लोगों के साथ कार्य व्यवहार आगे नहीं बढ़ा पाते। कई लोग ने अपनी इच्छा जाहिर की कि वे आगे भी इन कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो जैसा कि अभी बार बार बताया जा रहा है, मैं एक बार पुनः दोहराता हूं कि प्रत्येक बुधवार को इस विषय पर चर्चा होती है। यहाँ पर हम 5 दिनों में बड़े संक्षिप्त में अपनी बात को रख पाए हैं। प्रत्येक बुधवार को जो चर्चा होती है किसी एक विषय पर ही होती है और वहां विस्तार से चर्चा हो पाती है, विस्तार से प्रश्नों के हम उत्तर दे पाते हैं, उस पर चर्चा कर पाते हैं, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। और भी अधिक चर्चा प्रतिदिन सुबह होती है, 5:30 से 6:30 अंग्रेजी में होती है और 6:30 से 7:30 हिंदी में होती है, हम उस कार्यक्रम से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह बुधवार का कार्यक्रम है या प्रतिदिन जो सुबह कार्यक्रम होता है, ये दोनों कार्यक्रम तभी उपयोगी होंगे जबकि हमने 5 दिवसीय शिविर किया हुआ है।
अन्यथा वहां पर हमारे बहुत सारे प्रश्न होंगे और सारे लोग उससे डिस्टर्ब होंगे। अतः जरूरी है कि हम इन कार्यक्रमों को, 5 दिवसीय कार्यक्रम को पहले करें, उसके बाद ही इन कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभागिता करें। जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी, ये 4th ऑनलाइन कार्यक्रम था। इसके पहले एक ऑफलाइन कार्यक्रम भी हुआ है। हम लोग आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। इसकी सूचना संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहती है। मैं अपने साथियों को बताना चाहूंगा कि हर जिले में भी एक आनंदकों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। अगर आप उससे जुड़े नहीं हुए हैं तो जो संस्थान की वेबसाइट पर आपके जिले के संपर्क व्यक्ति का फोन नंबर दिया हुआ है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको सभी कार्यक्रमों की जानकारी मिलती रहे और आप उसमें सहभागिता कर सके। इसी प्रकार संस्थान की वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक पेज भी है, वहां पर भी कार्यक्रमों की जानकारी रहती है। यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको कार्यक्रमों की जानकारी मिलती रहे। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले कोर्स की जो पूरी रिकॉर्डिंग है 5 दिन की, वो संस्थान के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है। UHV की जो वेबसाइट है वहां भी उपलब्ध है। आपको जहां सुविधाजनक हो वहां से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इस बीच जब तक अल्पविराम कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, तब तक आप लोगों को राजानंद संस्थान का जो अल्पविराम कार्यक्रम है उससे जोड़ सकते हैं, जिससे कि इस दिशा में उनकी थोड़ी सी समझ विकसित होना शुरू हो सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि सारा का सारा कार्यक्रम जो है, चाहे UHV का देख लें, चाहे राजानंद संस्थान का देख लें, वास्तव में अपनी समझ को विकसित करने का है। हमारा चाहे अल्पविराम कार्यक्रम हो, चाहे UHV का यह शिविर हो, ये हमको सिर्फ रास्ता दिखा रहे हैं। इस रास्ते पर चलना तो हमको स्वयं पड़ेगा, और जब तक हम इस रास्ते पर स्वयं नहीं चलेंगे, तब तक यह रास्ता सिर्फ रास्ता रह जाएगा। इसका कोई लाभ हमको सीधे नहीं मिल पाएगा। हमारे इस कार्यक्रम से बहुत सारे शिक्षक जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि आप लोगों की भूमिका तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती, क्योंकि आप समाज की उस पीढ़ी से सीधे जुड़े हुए हैं जो कि हमारे देश का, हमारे समाज का, इस विश्व का भविष्य बनने वाले हैं। और अगर आप उस पीढ़ी को सही रास्ता दिखा पाए, उनको सही रास्ते पर चलने का अभ्यास करा पाए, तो शायद इससे बड़े संतोष की बात और कोई भी नहीं हो सकती है। क्योंकि बाकी हम सभी लोगों की भूमिका, जो शिक्षा से नहीं जुड़े हुए हैं, शायद अपने आसपास के दायरे में सिमट कर रह जाती है, लेकिन आप लोगों का जो दायरा है बहुत व्यापक है, बहुत विस्तार से है, और हर आयु वर्ग के व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कक्षा 1 का विद्यार्थी हो, चाहे कक्षा 12वीं का हो, चाहे कॉलेज का विद्यार्थी हो। तो मेरे ख्याल से आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कम से कम शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उनमें अपने मित्रों तक इस बात को जरूर पहुंचाएं। हम ऐसा भी कर सकते हैं, बल्कि विचार ही करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट पर जो भी व्यक्ति, जो भी हमारे साथी हैं, अगर UHV का शिविर करना चाहते हैं, हम उनके लिए एक लिंक भी खोल सकते हैं, जिससे कि जब वहां पर पर्याप्त लोग हमको दिखने लगते हैं, तब हम UHV की टीम से अनुरोध कर सकते हैं कि वे एक ऑनलाइन शिविर कम से कम आयोजित कर सकें। इसी प्रकार हम ऑफलाइन शिविर के लिए भी एक लिंक खोल सकते हैं कि जब हमको लगता है कि वहां पर लोग
पर्याप्त मात्रा में है तो हम ऑफलाइन कार्यक्रम भी कर सकें, लेकिन ऑफलाइन कार्यक्रम की अपनी सीमाएं हैं, बहुत ज़्यादा कार्यक्रम करना शायद संभव नहीं होगा, लेकिन और ऑनलाइन कार्यक्रम में कतई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार अनुरोध कर सकता हूँ UHV टीम से, AICTE से, टीम से, कि वे इस कार्यक्रम के लिए शिविर आयोजित करते रहें। अंत में मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा AICTE टीम का, UHV टीम का, श्री गणेश जी का, भानु भैया का, कुमार संभव भैया का, पांडे भैया का, दिलशाद भैया का, और उस पूरी टीम का जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम के संचालन से जुड़े रहे, कि वे हमारे छोटे से अनुरोध पर इस शिविर को आयोजित करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उनको नमन करता हूं कि वे अपने व्यस्त कार्यक्रम से भी समय निकाल करके हम लोगों के लिए समय दे पाते हैं। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी कि आप लोग इस कार्यक्रम से समय निकाल कर जुड़ सके, और आप में इतनी इच्छा को मैं देख पा रहा था कि आप में भी समाज के लिए कुछ करने की जो इच्छा जागृत हुई है उसको भी मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद।